गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग? अच्छे हैं? हमने मैं और मेरा व्याकरण सरस्वती प्रकाशन की जो बुक है ना अपनी, उसका बेटा अपन ने ये सर्वनाम वाला पाठ, इसका भाग एक और दो अपन ने पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज अपन इसका पार्ट थ्री पढ़ेंगे। और पार्ट वन और टू में अपन ने क्या पढ़ा है? अपन ने पढ़ाया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना? और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम के छह भेद हैं। कौन कौन से बेटा? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। और सर्वनाम शब्दों के वचन भी होते हैं, एक वचन और बहुवचन। बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है, सुनने वाले के लिए तू और तुम का प्रयोग किया जाता है, और आपका भी प्रयोग करते हैं इसमें हम, और दूसरों के लिए यह, वह, ये, वे, इनका प्रयोग किया जाता है। इतनी चीजें अपन ने बेटा भाग एक और दो में पढ़ लिया है। आज अपन भाग तीन इसका पढ़ेंगे, जो बुक एक्सरसाइज है, और उसको समझेंगे। तो देखिए जरा बताइए तो सर्वनाम किसे कहते हैं? अभी अपन ने समझा ना, उसको रिवाइज भी किया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, है ना? और सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के छह भेद हैं। कौन-कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तू, तुम और आप, है ना? और मैं अपना काम स्वयं करती हूँ, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? मैं स्वयं आया ना, तो स्वयं मैंने सेल्फ, अपने लिए, तो निजवाचक हुआ ना बेटा। इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का भेद है, ठीक है? ये अपने क्वेश्चन हो गए। आप रफ कॉपी में इसका आंसर लिख सकते हैं, और चाहे तो फेयर कॉपी में पीछे एक व्याकरण का पोर्शन बना लें, उसमें आप इनके उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है? अब आइए, बुक एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है और पेंसिल से करनी है। डोंट यूज पेन इन योर बुक प्लीज। अब आइए, अब लिखें। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। का है, जतिन बोला मैं आज बहुत खुश हूं, तो मैं शब्द किसके लिए आया बेटा? जतिन के लिए, तो हमने यहाँ जतिन लिख दिया। ख है, मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी, तो तुम किसके लिए आया बेटा? रीमा के लिए, हमने यहाँ रीमा लिख दिया। ग है, यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो, तो इसे शब्द किसके लिए आया है? पुस्तक के लिए, हमने यहाँ पुस्तक लिख दिया। घर है, प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी, तो आप शब्द किसके लिए आया? नानी के लिए, हमने यह नानी लिख दिया। समझ में आया बेटा? अब है नंबर टू। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। इसमें जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ ना, इसमें क्या है बेटा, बार बार शब्द नाम नाम लिखा गया, तो अच्छा नहीं लग रहा, तो हमको उसको सर्वनाम का प्रयोग करते हुए दोबारा इसको लिखना है। कविता ने कविता की सहेली रीमा को कविता के घर बुलाया, तो बार बार कविता आया, अच्छा नहीं लगा। हमने क्या लिखा? कविता ने उसकी सहेली रीमा को उसके घर बुलाया। कविता ने रीमा को कविता के कमरे में बैठाया और कविता के खिलौने और पुस्तकें दिखाई, तो हमने क्या लिखा दोबारा? हमने कविता के लिए क्या लिखा? उसने उसने रीमा को अपने कमरे में बैठाया और अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर कविता ने कविता की माँ से रीमा को मिलवाया, तो हमने क्या लिखा? फिर उसने अपनी माँ से उसे मिलवाया। ये पैराग्राफ हमने बदल के लिख दिया है। अब इधर आ जाइए, पेज नंबर 55 पर बेटा, है ना? पेज नंबर 55 लास्ट पेज है इसका। इसमें लिखा है नंबर 3, रंगीन सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है, तो कुछ की जगह हम यहाँ क्या लिख देंगे? कोई। जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है।
है मैं मेरा काम कर रही हूँ, तो मेरा की जगह क्या आ जाएगा, अपना, है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सॉरी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। गा है दीदी हमारे को समझा रही है, तो इसमें क्या करेंगे अपन बेटा, हमारे को की जगह लिखेंगे हमें, दीदी हमें समझा रही हैं। गा है तुम उसकी साइकिल क्यों ली, तो तुम की जगह क्या आएगा, तुमने, तुमने उसकी साइकिल क्यों ली। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा बेटा। अब है नंबर 4, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए एवं उनके भेद लिखिए। का है आज का मैच कौन जीतेगा, तो कौन हमने यहाँ लिख दिया, कौन शब्द इसका सर्वनाम है और किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक। ठीक है, ख है बाहर कोई दौड़ रहा है, तो कोई सर्वनाम है हमने यहाँ लिख दिया, तो ये किस प्रकार का, अनिश्चयवाचक, निश्चित तो नहीं है ना बेटा, ये निश्चित सर्वनाम नहीं है, अनिश्चितवाचक, अनिश्चयवाचक है। ग है मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली, अपनी शब्द जो है सर्वनाम है और कौन सा है वो, निजवाचक, राइट। उसके बाद है घ वाला, बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिया, किसी ने, किसी शब्द जो है सर्वनाम है लेकिन कौन सा है वो, अनिश्चयवाचक, निश्चित तो है ही नहीं, किसी ने तोड़ लिया लेकिन पता नहीं कौन है। अब देखिए जरा सोचिए, तो आपका मित्र दूसरी भाषा बोलने वाला है, उसे हिंदी ठीक से नहीं आती है, उससे हिंदी में बात कीजिए और देखिए उसने किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया। ये थॉट प्रोसेस आपको सोच के लिखना है। सपोज आपके सामने एक मित्र है, उसको हिंदी आती नहीं है, तो वो जिन शब्दों का प्रयोग करे तो आप उनको देखना है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगाकर देखिए कैसा लगता है। जैसे देखो चाय में कुछ पड़ा है, देखो चाय में कौन पड़ा है, बड़ा अटपटा लग रहा है ना। अब नीचे करके देखिए, सर्वनाम शब्द से शुरू होने वाले पुस्तकों अथवा हिंदी फिल्मों के नाम लिखिए, जैसे मैं और मेरा व्याकरण, ये बुक का नाम भी सर्वनाम से है ना, तो हमने लिख दिया वह कौन थी, मेरे अपने, दो फिल्मों के नाम लिख दिए, इसमें वह तो वह सर्वनाम है और मेरे भी अपने दोनों सर्वनाम है। मेरी आत्मकथा पुस्तक का नाम है, हम हिंदुस्तानी ये भी फिल्म है, फिल्म भी है, पुस्तक का नाम भी है ना, आदि। तो जीवन मूल्य, इससे हमें क्या समझ में आता है, जैसे शब्दों को हम सुनना पसंद करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी वैसे ही सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया बेटा। आपका गृह कार्य क्या है, ये जो बुक एक्सरसाइज है ना, पेज नंबर 54, 55, ये आपको अपनी बुक में पूरी करनी है और याद करना है। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।